हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बताने जा रही हूँ आपको कि कार्डिगन में आपको गोल गले की कटिंग कैसे करनी है। इसमें मुझे राउंड नेक बनाना है, तो मैं इसमें राउंड नेक की कटिंग बताऊंगी आपको कैसे करनी है। अब देखिए, जब आप कार्डिगन की लेंथ इतनी बना लेंगे, एटलीस्ट मैंने यहाँ से और यहाँ तक इसकी 18, क्योंकि ये लॉन्ग कार्डिगन है तो मैंने 18 इंच रखी है बॉर्डर से लेके और आर्म होल तक। जब आप बॉर्डर से और बुनना शुरू करेंगे इसको ऊपर, तो यहाँ तक जब आपके आर्म होल की कटिंग आएगी तो 18 इंच आप इसको बना लीजिए। और लंबाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा लंबा चाहिए तो 18 इंच या 19 इंच तक आप बना लीजिए, और थोड़ा छोटा चाहिए तो आप अपने हिसाब से लंबाई रखिए इसकी। ये कार्डिगन का लेफ्ट साइड है, तो मैंने इसकी कटिंग यहाँ से शुरू की है। बटन पट्टी हमारी इस साइड आती है और ये इधर से मैंने आर्म होल की कटिंग की है इसकी। पहले लाइन में 5 फंदे घटाए, दूसरी लाइन में 3, फिर 2, फिर 1, ऐसे इसकी आर्म होल की कटिंग हुई है। अब क्योंकि ये गोल गला में बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसको यहाँ तक, देखिए सेंटीमीटर में बता देती हूँ, मैंने आर्म होल को यहाँ तक आर्म होल की इसकी कटिंग ख़त्म हुई है। तो देखिए मैंने इसको 10 सेंटीमीटर मैंने इसको बना लिया है। जितना हमारा शोल्डर होता है उसके आधा हम इसको बना लेते हैं, तो यहाँ से जितनी आपकी शोल्डर की लंबाई आप बनाते हैं उसका आधा आप इसको बना लेंगे, और उसके बाद हम इसकी गोल गले की कटिंग करेंगे। शोल्डर का आधा बना लेंगे, जितना शोल्डर होता है उसकी लंबाई बना लेंगे। यहाँ से हमें कुछ नहीं करना है, आर्म होल घटाने के बाद हमें इसको बुनते हुए जाना है। जैसे ये डिज़ाइन है, मैंने इसको 4 इंच बनाया है, यहाँ से मैं इसकी कटिंग शुरू करूँगी। तो 4 इंच बना लेंगे, उसके बाद यहाँ से कटिंग शुरू करेंगे। तो लेडीज़ का मैं एडल्ट्स का बता रही हूँ, लेडीज़ का बड़ों में आप ऐसे ही करेंगे। 4 इंच बनाने के बाद यहाँ पे आर्म होल की कटिंग ख़त्म हुई, इतना मैंने इसको बनाया है। और आप देखिए लेफ्ट साइड है ये, लेफ्ट साइड में आप कटिंग कैसे करेंगे, तो जो बटन पट्टी के फंदे हैं उनको आप या तो बंद कर देंगे, यहाँ से आप इन फंदों को या तो जैसे फंदे हम बंद करते हैं वैसे कर लेंगे, या फिर आप इनको पिन पे उतार के छोड़ देंगे। तो अगर आपको सेफ्टी पिन या पिन होल्डर पे उतार के छोड़ना है, तो देखिए आपको 10 फंदे आप बना लेंगे, जितने भी आपकी बटन पट्टी के फंदे होंगे उतने बना लेंगे आप। मेरे 10 हैं तो मैं 10 बना लूंगी। जैसी आपकी बटन पट्टी बनी हुई होगी वैसी बनाइए और इसको छोड़ दीजिए बना के। पहले इनको ऐसे बनाइए 10 फंदे, ये 10 फंदे बन गए। अब आप इनको सेफ्टी पिन पे या ऐसे पिन होल्डर पे उतार के छोड़ दीजिए, या फिर आप इसको बंद कर सकते हैं और उसके बाद आगे बनाएंगे। तो देखिए ये मैंने फंदे इस पे ऐसे उतार के छोड़ दूंगी। ये मैं ऐसे इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपके पास सेफ्टी पिन होगी तो आप उनको इस तरीके से पहले बना के फिर उतार के छोड़ देंगे ऐसे। ये ऐसे करके छोड़ दिया। अब आगे जितने भी फंदे हैं उनमें हम गोल गले की कटिंग करेंगे। बटन पट्टी के फंदे छोड़कर मेरे पास टोटल 46 फंदे हैं। 26 या 28 आप फंदे इसके कंधे पे रख सकते हैं, 28 भी रख सकते हैं, 26 भी रख सकते हैं इसके कंधे पे। 28 फंदे शोल्डर के लिए निकाल के मेरे पास 18 फंदे बचेंगे, उसमें से हम इसकी गोल गले की कटिंग करेंगे। अब देखिए कटिंग कैसे करनी है। ये फंदे ऐसे निकाल के छोड़ दिए। अब देखिए यहाँ से हम उल्टी साइड से ही इसकी कटिंग करना शुरू करेंगे। अब देखिए मुझे 18 फंदे घटाने हैं, तो ये मैंने जो फंदे हैं ये ऐसे छोड़ देंगे इनको यहाँ पे। अब यहाँ पे सबसे पहले 6 फंदे घटाऊंगी मैं, 18 फंदे घटाने हैं तो यहाँ पे सबसे पहले 6 फंदे घटाऊंगी। देखिए एक फंदा बनाया, दूसरा बनाया और इसको इसके ऊपर से ऐसे उतार दिया, एक, दो, तीन, चार, पांच,
और ये छः। सबसे पहली लाइन में छः फंदे घटेंगे, देखिए ऐसे, जितने फंदे आपको घटाने हैं उसी हिसाब से आप इसको डिवाइड करके हम घटा लेंगे, तो ऑलमोस्ट इतने ही फंदे होते हैं, 18, 19 या 20 फंदे आपके पास होंगे। सबसे पहली लाइन में हम 6 फंदे घटाएंगे, आप उल्टी लाइन आपकी जैसी बनी हुई होगी वैसी पूरी बना लेंगे। ये जो घटाए हुए फंदे हैं उनको छोड़ के आपका डिज़ाइन जैसा बनता है वैसे आप उसको कंटिन्यू करेंगे, आगे बनाएंगे इसको। अब जो ये गले की कटिंग है लेफ्ट साइड में हम उल्टी साइड में ही करते हैं, तो मैं आपको उल्टी साइड में ही आके बताऊंगी कि आपको कैसे करना है। ये पूरी लाइन उल्टी जाएगी, फिर सीधी लाइन को यहाँ से सीधा यहाँ तक बनाना है, उसके बाद मैं बताती हूँ आपको कि इसको आप कैसे करेंगे। तो ये पूरी उल्टी लाइन और फिर सीधी लाइन में बना लेती हूँ। आप देखिए उल्टी लाइन जैसी थी वैसी की पूरी, फिर सीधी लाइन के ऐसे करके एंड में आ गई हूँ मैं। ये सीधी लाइन है, इसके एंड में आ गई हूँ, तो जो ये लास्ट का फंदा है इसको ऐसे ही उतारेंगे, इससे जो एजिंग है इसकी स्मूद आएगी। फिर इसको ऐसे पलटा और अब इस लाइन में 3 फंदे घटेंगे। पहले लाइन में 6 फंदे घटाए थे, अब देखिए 3 फंदे घटेंगे, तो इन 2 फंदों को आप ये वाला भी और ये वाला भी फंदा ऐसे उतार लीजिए और ये वाले फंदे को ऐसे करके इसके ऊपर से ले लीजिए। एक फंदा घट गया, आप देखिए 2 और ये 3। ये 3 फंदे इस लाइन में घट गए, बाकी जैसे मैंने बताया है ये पूरी उल्टी लाइन उल्टी जाएगी, सीधी लाइन को सीधा बनाना है और एंड वाला फंदा उतार लेना है। तो मैं ये 2 लाइंस उल्टी और ये उल्टी वाली पूरी करके और सीधी वाली करके दिखाती हूँ। ये देखिए पूरी लाइन हो गई, ये फंदा लास्ट का मैंने ऐसे ही उतारा है, तो ये दूसरे वाले फंदे को इसके अंदर से ऐसे ले लेंगे। तो ये एक फंदा ऐसे घट गया, 3 फंदे घटाने हैं तो एक घट गया, 2 और ये 3। एक लाइन में हमने 6 घटाए थे, फिर दूसरी लाइन में 3 घटाए, इस लाइन में भी 3 घटा लिए। अब फिर से वैसी पूरी उल्टी लाइन उल्टी करेंगे, सीधी लाइन को सीधा करेंगे, एंड वाला फंदा उतार लेंगे उसमें। देखिए फिर से आगे उल्टी लाइन में, अब इस लाइन में 2 फंदे घटेंगे। पहले 2 बार 3 घटाए थे, एक बार 6 घटाए, फिर 3 3, अब इस लाइन में 2, ये एक घट गया और ये दूसरा, इस लाइन में 2 घटे। अब ये पूरी लाइन उल्टी जाएगी, फिर सीधी लाइन करके, उसके बाद बताती हूँ कैसे करना है। इस लाइन को उल्टा करके फिर एक लाइन इसके बाद वाली को सीधी करके बताती हूँ। जब भी आप उल्टी लाइन में आ रहे हैं तभी आपको फंदे घटाने हैं गले के लिए, बाकी को आपको ऐसे ही बनाना है। अब देखिए सीधी लाइन करके मैं आ गई हूँ इसमें उल्टी लाइन में। अब इस लाइन में मैं एक ही फंदा घटाऊंगी। सबसे पहली लाइन में ध्यान से देख लीजिएगा, सबसे पहली लाइन में 6 फंदे घटाए, फिर 2 लाइन में मैंने एक बार 3, एक बार 3, 2 बार 3 बार 3 3 फंदे घटाए हैं, फिर एक लाइन में 2 फंदे घटाए। अब देखिए इस लाइन में एक ही फंदा घटाऊंगी और टोटल मेरे 2 फंदे जहाँ तक मैंने घटाए हैं मेरे 14 फंदे बंद हो गए। यहाँ पे 4 मुझे और घटाने हैं, तो हर उल्टी लाइन में 4 बार मैं एक एक फंदा घटाऊंगी, तो ये भी घट जाएगा पूरा। देखिए एक ही फंदा घटाया, अब जैसे आपकी उल्टी लाइन है वैसे इसको बना लेंगे, 4 बार ये 4 फंदे आपके घट जाएंगे। तो ऐसे ही आपको भी इसकी कटिंग करते हुए जाना है। ये पूरी लाइन उल्टी जाएगी, फिर सीधी लाइन आएगी, फिर उल्टी लाइन में एक फंदा घटेगा, ऐसी करके एक एक और घटाना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। जब तक आपके शोल्डर के 28 फंदे नहीं बच जाते आपको हर लाइन में, हर उल्टी लाइन में एक एक फंदा घटाना है, बस यही ध्यान रखना है। जितने आपको शोल्डर पे रखने हैं उसके अलावा जितने भी आपके पास फंदे बचते हैं आपको हर उल्टी लाइन में इनको घटाते हुए जाना है। तो
तो मेरे चार ही बार घटेंगे क्योंकि चार फंदे मुझे घटाने हैं, तो चार लाइन में मेरे हर उल्टी लाइन में चार बार चार फंदे घट जाएंगे। उसके बाद मेरी कटिंग जो है गोल गले की वो कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपकी लेंथ पूरी नहीं होती है, बाकी को आप ऐसे ही ऊपर तक बनाते हुए जाएंगे, बाकी का शोल्डर जो है ऊपर तक ऐसे बनता हुआ जाएगा। देखिए, ये सिर्फ मैं लेफ़्ट साइड का बता रही हूँ, राइट साइड का मैं दूसरे वीडियो में बता दूंगी। ये सिर्फ लेफ़्ट साइड का मैंने आज बताया है, इसमें उल्टी साइड में ही कटिंग होती है गोल गले की। तो ये यहाँ तक 15 फंदे मेरे टोटल बंद हो गए हैं। अब 3 फंदे और घटाने हैं, तो हर उल्टी लाइन में एक एक फंदा ऐसे ही बंद करते हुए जाऊंगी, तो ये पूरा 18 फंदे मेरे बंद हो जाएंगे, बाकी 28 फंदे बचेंगे। अब यहाँ से मैं बताती हूँ आपको, 14 सेंटीमीटर ये मेरा यहाँ तक हो गया है। अब अभी मैं इसको और बनाऊंगी, तो इसलिए जितनी आपकी लेंथ है उसके बाद आप ऐसे ही उसको बनाते हुए जाएंगे, बाकी का आप ऐसे ही बनाएंगे, यहाँ से कुछ नहीं करेंगे, फिर कटिंग आप यहाँ से बंद कर देंगे, बाकी का बनाते हुए जाएंगे। तो वो आपकी लेंथ यहाँ शोल्डर की पूरी हो जाएगी, कटिंग आपकी पूरी हो जाएगी। उसके बाद हम आएंगे राइट साइड पे, तो राइट साइड का मैं बता दूंगी आपको, पूरा बता दूंगी, आर्म होल टू नेक तक आपको कैसे पूरा कटिंग करना है। इसमें मैंने सिर्फ नेक का बताया है। आप इसमें एक चीज़ ध्यान रखिए कि उल्टी साइड से आपकी सारी कटिंग होती है, लेफ्ट साइड की जो कटिंग है वो उल्टी साइड से होती है, राइट साइड की जो कटिंग है वो सीधी साइड से होती है, मतलब ये जो सिलाई सीधी सिलाई होती है वहाँ से होती है। तो बाकी का मैं राइट साइड का दूसरे वीडियो में बता दूंगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।